नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर आजमगढ़ से। दलित महिला सुनीता पासवान ने रौनापुर थाना क्षेत्र के सीओ के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ के पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव की पासवान बस्ती में एक मामूली विवाद पर जमकर कहर बरपाया गया। इतना ही नहीं, करीब 200 पुलिस कर्मियों ने 3 जेसीबी लगाकर 4 दलितों के घर को ढहा दिया। साथ में अनाज और खाने पीने की चीजों में पुलिस ने विषाक्त पदार्थ मिला दिया। महिलाओं की इज्जत के साथ खेला गया, जेवर और कीमती सामान लूट लिए गए। दलितों के घर में पुलिस ने सरेआम डाका डाला। डकैतों की तरह पुलिसकर्मियों ने औरतों के बदन से जेवर भी नोच लिए। अगले दिन पहुंचकर दलितों की पिटाई भी की। पुलिस ने डकैतों को किस तरह से मात दी है, हैरत की बात यह है कि इस जघन्य घटना पर मेन स्ट्रीम की मीडिया चुप्पी साधे हुए है। आज हम बनारस से चलकर आधी रात में आजमगढ़ के पलिया गाँव में पहुंचे। महिलाओं का करुण क्रंदन सुनकर कलेजा फटने लगा। आप देखिए पुलिस का तांडव, दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें। लगता है योगी सरकार राज पर अब पुलिसिया गुंडा राज भारी पड़ने लगा। जब पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने एसएसपी साहब से रेफरेंस लेना चाहा तो उन्होंने पत्रकार को धमकाकर फोन काट दिया। हाँ सर, जय हिंद। आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी बात हो रही है? अभी मीटिंग कर रहे हैं। सर, परमार्थ आवाज न्यूज से स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद सक्सेना बोल रहे हैं, थोड़ा अपडेट लेना है। परमार्थ आवाज हिंदी दैनिक ऑनलाइन समाचार से स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद सक्सेना बोल रहे हैं। अभी 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 फोन बंद कर दीजिए भैया। हाँ भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं यहाँ की सबसे बड़ी बहू हूँ। किसकी? प्रधान जी के? नहीं, वो तो मेरे देवर है। श्री श्याम देव का, श्री श्याम देव का मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे आदमी सर्विस करते हैं, इंजीनियर हैं DLW में। अच्छा। हाँ, मैं अपने सास के दवा दिलाने के लिए आई थी, बेचू से दवा होती उनकी है। हाँ, वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, करा था रात में, तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए हैं। हम कहे ठीक है कर लो मजा, हमको जब मारे सर, अरे तुम्हारे गण में डंडा पेल देंगे, तुम्हारे भोसड़ा में डाल देंगे। मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार। नहीं नहीं नहीं, बताइए, ये जो छोटी जाति को थी मजा लेने के लिए होती है औरत, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, एसओ जो है रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन। इसीलिए मैं भाई, ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं है, इसीलिए ये लोग रुके हैं, इसीलिए लोग रुके हैं दो दिन से। हमको यही मांग है सर कि योगी जी आए, ये अपना जो दिए हैं उन लोग को वर्दी, उनका वो देखें कि क्या वो फायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं आएंगे अपने बच्चन को लेके फांसी लगा लेंगे, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं। जब हमारे घर के, हम लोग अपने घर के चौखट नहीं नाकते थे सर, हम लोग भी महारानी हैं, एक अफसर बोल के गया, ये मजा नहीं मिला रात में, क्या है, क्या है ये इज्जत? योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंगा कर दिए। मेरा ससुर हमको पेटीकोट में देखे, मेरे बाप को पेटीकोट में देखा, यही देखा सर। मैं अपने सुहाग का कसम खा के कह रही हूँ, किसी को भगवान औलाद न पैदा दे। मेरा बाप मुझको देखा पेटीकोट पर, मेरा ससुर देखा, क्या है योगी जी का, क्या योगी जी कर रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, हमारी अब इज्जत नहीं है सर। हम तो दिखाने के लिए आप लोग भी तैयार हैं, क्या है, कुछ नहीं है। जिसकी बीबी, जिसका पति अफसर हो, जिसका ससुर अफसर हो, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीबी रोड पे नंगा नाच रही है, उसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है, हमको ऐसा इज्जत नहीं चाहिए। सब उतर गया सर, योगी जी के आना होगा, नहीं तो हमको जिंदगी ऐसा नहीं जीना है। क्या अपने पति के हम जाएंगे अपने पति के पास, पुलिस का हाथ लगाना हुआ हम अपना चेहरा दिखाएंगे? ये ब्लाउज जो फरा है क्या दिखाएंगे, क्या कुछ दिखाएंगे, बताइए।
यही योगी जी का प्रशासन है, कह रहा है चमाइन पास के पासिन का जात तुम्हारे भोसड़ा में डंडा बोलोगी तो यही फाड़ डालूंगे, तुम्हारा भोसड़ा ही चीर देंगे अगर बोलूं। हम कहें फाड़ो, तुम्हारे देखे कितनी औकात है तुम्हारी अवधि में, मेरे भाई क्या है बताइए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए मार खाई है, ये मेरी फुफुआ सांस है, एक और है, क्या है इनकी औकात, डंडा भी हम रखे हैं सर, आप भी किसी का बेटा है, आप भी किसी का पति है, जितने लोग भी आए हैं, अगर आपके बीवी के साथ ऐसा होगा कोई बर्दाश्त करेंगे आप करेंगे सर, बताइए हम क्या अपने पति के मुंह दिखाएं, आप ही लोग जवाब दीजिए ना, जो हमारे ससुर हम लोग दरवाजे से बाहर नहीं करते थे, आज उसकी बहू नंगा नाच रही है बाहर, हम लोग नाचने वाली चीजें, बताइए क्या हम लोग को आप जवाब दें, क्या दिखाएं, अपना हर चीज दिखाएं, जमीन दिखाएं, गाड़ी दिखाएं, घोड़ा के अपना ये शरीर दिखाएं, बताइए क्या दिखाएं, क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, हमारा यही मांग है ओगी जी आके देखें, वो पूजा करते हैं सर ना, मेरा मंदिर भी तोड़ा हुआ है, वो सो के उठते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा भक्त है, यही प्रशासन दिए हैं ओगी जी, चल के आप देखे होंगे हमारा मंदिर, देखे होंगे, हम तो अपने आदमी के पास नहीं जा पाएंगे, हमको शर्म आएगी, जिसका आदमी उसकी जिंदगी बिताने के लिए मिलता है, आज कोई और छोड़ के गया, बताइए हम कहा जवाब दें, योगी जी हमारा आपस करेंगे, मोदी जी हमारा आपस करेंगे, हम भी घूंघट में चलते थे सर, हमारा भी सर पे पल्लो था, हम भी सोफा पर बैठ के काटते थे, हम भी ऐसे में बैठते थे, हम भी चाचा कब घूमते थे, बाकी हमारा सब चला गया सर, हम भी एक एक आदमी के साथ हम भी बैठते थे अपने, बत्ती जलाइए जलाइए, इधर जलाइए, नहीं ये तो दुखद घटना है, बहुत दुख दिया, इतना चोट लगल है, वहाँ जो आई है बैठी है मैडम जी, हमारे भी हाथ में चूड़ी सर, हम भी सब चूड़ी सर, हमारे भी हाथ में चूड़ी सर, हाँ यहाँ दादा, अब उनके बकार ने बाहर क्या हुआ, बंदा बंदा, नहीं हमारा यही मांग है, योगी जी आए ये देखे सब, परमार्थ आवाज़ न्यूज़ स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद्र के साथ सुनील तिवारी की रिपोर्ट।